जावा की तरफ से आने वाली 42 FJ एडिशन आज हमारे सामने खड़ी है, तो इसके हम फीचर स्पेसिफिकेशन तो बता ही देते हैं, साथ में यार आई एक छोटी सी राइड कर देते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ इशू होने वाला, हीटिंग इशू वगैरह और क्या चीजें होने वाली, आइए छोटी सी राइड इसकी ले लेते हैं। तो देखो पांच मेजर पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे, तो इसीलिए वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहिए। गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया है, सबसे पहला पॉइंट है हीटिंग इशू। तो हीटिंग इशू जो है साथियों पहले के मॉडल से बहुत ज्यादा कम कर दिया, जो पहले का जावा 42 आता था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हीटिंग इशू होता था, थोड़ा ज्यादा होता था, लेकिन अभी 90% तक इसे डिक्रीज कर दिया है। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाएंगे तो देखो जो इसका फैन है उसका जो एयर निकलती है उसकी वो थोड़ा नीचे तरफ निकलती है, तो जब आप 5 से 7 किलोमीटर स्पीड में गाड़ी को रन कर लेंगे तो जो इसकी एयर है वो नीचे निकलेगी, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हीटिंग का इशू है, लेकिन वो हीटिंग इशू नहीं है, वो रेडिएटर के फैन की हवा है जो गर्म निकलती है, तो वो वाली चीज है साथियों। दूसरी चीज है इंजन का नॉइस। तो जब आप गाड़ी को चलाएंगे तो देखो इंजन की जो खिड़खिड़ाहट वाली आवाज है एकदम, तो वो आपको एकदम कम आएगी, क्योंकि जो इंजन है इसका वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, पहले से ज़्यादा रिलायबल है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होने वाला है, साथ में कंट्रोलिंग अच्छी है जब आप सिटी में भी इसको चलाएंगे, और देखो ट्रैफिक में भी हम इसको बराबर चला रहे हैं, तो कटिंग देखिए कटिंग भी काफ़ी बढ़िया है, यानी कि सिटी में ट्रैफिक में या किसी भी तरीके से आप इसको ड्राइव करें, यहाँ पर देखिए कंट्रोलिंग काफ़ी बढ़िया है, कटिंग अच्छी है, और आप इसको किसी भी तरीके से ऐसे देखिए कटआउट होकर निकल सकते हैं सिटी में, तो आपको किसी भी प्रकार की कंट्रोलिंग में दिक्कत नहीं जाएगी। साथ में जो सिटिंग टू राइडिंग का पोस्चर है वो भी आरामदायक होने वाला है, और कंट्रोलिंग के साथ साथ यार यहाँ पर देखो पिकअप काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यार 29 BHP का पावर और 29 NM के करीब टॉर्क होने वाला है, तो यहाँ पर जब आप गाड़ी का इंस्टेंट थ्रोटल जो कीजेंगे तो एकदम से अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने के लिए आपको मिलेगा। 137 तक की इसकी टॉप स्पीड होने वाली, अभी मीटर बंद है नहीं तो हम टॉप स्पीड टेस्ट कर लेते, लेकिन ABS टेस्ट है तो हम कर ही सकते हैं, तो गाड़ी हम अच्छी खासी भगा लेते हैं। ब्रेम्बो के ब्रेकिंग सिस्टम है, तो देखो हमने अच्छा खासा पिकअप पकड़ लिया, लगभग 80 की स्पीड में गाड़ी अभी चल रही है, और एकदम से हम अभी यहाँ पर देखो इंस्टेंट ब्रेक दबाया और गाड़ी देखो 3 से 4 सेकंड में गाड़ी वहीं के वहीं खड़ी हो गई, तो इसका मतलब दोनों ही ABS अच्छे से काम कर रहे हैं, इंस्टेंट काम कर रहे हैं, यानी कि कंट्रोलिंग से लेकर परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग का सिस्टम भी इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। अच्छा एक पॉइंट और निकल के सामने आता है कि क्लासिक में और इसमें इंजन में क्या डिफरेंस है, तो देखो इंजन में बिल्कुल डिफरेंस है, क्योंकि यार इसमें मिलता है आपको एक लिक्विड कूलिंग वाला सिस्टम, यानी कि यार सीधी सी बात है यार कि लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, वहाँ पर आपको एक एयर कूलिंग वाला सिस्टम देखने के लिए मिलता है, तो एयर कूलिंग कोई सिस्टम नहीं होता यार ऐसे, तो स्प्लेंडर में भी एयर कूल्ड ही आता है, तो यार वो कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉपर लिक्विड कूलिंग है, और लिक्विड कूलिंग के नीचे होता है ऑयल कूलिंग वाला सिस्टम, यानी कि यार एक अच्छा खासा सिस्टम है, तो जब आप गाड़ी को लॉन्ग भी ड्राइव कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कितनी भी लंबे सफर पर आप इसमें जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 790 mm की सीट हाइट है, तो सीट आरामदायक होने वाली है फ्रंट और पिलियन के लिए, दोनों के लिए ही जो सीट की कंफर्ट है वो अच्छी है। यहाँ पर देखो आपको USD सस्पेंशंस तो देखने के लिए नहीं मिलते, अगर वो होते तो थोड़े से कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस हो सकती थी, यानी कि कंट्रोलिंग काफ़ी अच्छी हो सकती थी। ये चीज़ें साथियों, बाकी यार सारी चीज़ें इसमें परफेक्ट होने वाली है। 260,000 की कीमतों में ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में इसकी हम माइलेज की बात कर लें तो देखो 30 से 32 KMPL तक का तो आपको माइलेज दे देगी, वो भी सिटी में, अगर जैसे कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ इस तरीके की आपकी राइडिंग होती है, यानी कि ज़्यादा आपको ट्रैफिक नहीं मिलता है, कुछ इसी तरीके की आपकी सड़कें होती हैं, तो आपका उतना एवरेज आराम से दे देगी गाड़ी। इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है, साथ में सिंगल हैंडल बार है, तो यहाँ पर देखो राइडिंग टू सीटिंग का जो पोस्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनता है, साथ में राइडिंग के मोड्स और यहाँ पर जो बटन्स हैं उसकी मदद से आप मीटर वगैरह को भी एडजस्ट कर पाएंगे, हैजर्ड लाइट को जला पाएंगे, और यार जो फंक्शंस हैं वो तो आपने देख ही लिए होंगे, अगर आपको वीडियो देखना है इसका प्रॉपर तो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं, और अगर आपको कंपैरिजन देखना है तो वो भी हमारे चैनल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। खैर आपका क्या कहना है इस गाड़ी को लेकर यार, क्या आपको ये पसंद आ रही है या फिर आपको कोई और ही गाड़ी पसंद है? पावर के हिसाब से अच्छी है यार, क्योंकि यार 28 से 29 BHP का पावर है, जब आप इसका थ्रोटल खींचेंगे तो देखो 4000 RPM पर ही ये लगभग 29 NM का टॉर्क पकड़ लेती है, तो यार मतलब 60 से 70 की स्पीड अगर अचीव करने की बात होती है तो 60 से 70 की स्पीड ये महज यार 4 से 5 सेकंड के करीब यार पकड़ लेती है आराम से साथियों यार। और साथ में अभी हम इसको ड्राइव कर रहे हैं 5th गियर में, तो देखो 5th गियर में भी हम इसको ड्राइव कर रहे हैं लेकिन गाड़ी झटका नहीं मार रही, 6 ट्रांसमिशन वाला सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखो कटिंग भी जब आप करेंगे गाड़ी की तो कटिंग भी अच्छी होने वाली, यहाँ पर देखो पूरी ही गाड़ी की कटिंग जो है वो लंबी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि कम जगह में आप गाड़ी को टर्न कर सकते हैं, तो टर्न मतलब कंट्रोलिंग बढ़िया है, और साथ में जब आप इसको लेटाल कर भी टर्न करेंगे तो कंट्रोलिंग इसलिए भी अच्छी हो जाती है क्योंकि 150 सेक्शन का
टायर आपको पीछे देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि सड़कों को पकड़ कर टायर चलता है, एक चौड़ा टायर इसमें देखने के लिए मिल जाता है। अभी दिल्ली के पड़गंज में हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। साथियों यार कंट्रोलिंग अच्छी लग रही है, साथ में सिटिंग टू राइडिंग जो एक्सपीरियंस है वो हमारा काफ़ी बेटर लगा। खैर आपको कैसी लग रही है गाड़ी मित्रों, कमेंट में ज़रूर बताना क्या आपको जावा 42 FJ एडिशन पसंद है, या फिर आपको ओल्ड वेरिएंट पसंद है, या फिर आपको कोई और ही गाड़ी पसंद है। हमारे हिसाब से तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। 260,000 रुपये में आपको इतने सारे फीचर दे रही है, साथ में इंजन भी रिलायबल होने वाला है, परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है, और साथ में जब आप ड्राइविंग करेंगे तभी जो इसका मज़ा है वो आप स्वयं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे चलाने में और बताने में फ़र्क होता है और आपके चलाने में अलग ही फ़र्क होता है। हर किसी के चलाने का एक अंदाज़ा अलग होता है और हर किसी के चलाने का फील अलग होता है। खैर आपका क्या कहना है इस गाड़ी को लेकर मित्रों, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। यार आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।